ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੰਸਲ। ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਕਮਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੋਗਾ ਕੀ ਅੱਜ ਕੁਛ ਰੇਟਸ ਬਣੇ ਆ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਕੇਲਾ ਦੁੱਧ ਬੜਾ ਹੈ 2 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਬਸ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਰੇਟ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਥਾ। ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੇਟ ਬਣ ਰਹੇ? रेट बढ़ने का कारण ज़्यादातर तो कंपनीज को पता है, वैसे ये है कि गर्मी की वजह से दूध कम हो जाता है जैसे, तो उस वजह से हर बारी गर्मी में दूध बढ़ता है, 2 रुपये लीटर 3 रुपये लीटर बढ़ता ही है। तो आम मार्केट में जो दूसरी डेयरियाँ हैं या वैसे दूध वाले, उन्होंने भी रेट बढ़ाए? वो उनका है जी, देखो कंपनी है, कंपनी का आपस में होता है, जैसे मदर डेयरी है, वीरका है, इन्होंने सब में कोलाबरेट होकर 2 रुपये लीटर बढ़ाया है। इनका अपना सिस्टम है, कभी हर बार ही ऐसे करते हैं, 4 रुपये लीटर 5 रुपये लीटर बढ़ा देते हैं, कंपनी 2-2 रुपये लीटर बढ़ाती है, ये 5 रुपये लीटर बढ़ा देती है। तो अभी क्या रेट चल रहा है काम मार्केट? अभी मार्केट में जैसे अमूल का है 6 फैट वाला दूध है, वो 66 था कल को, कल से 66 था, आज 68 रुपये हो गया वो। और दूसरा आम मार्केट में? आम मार्केट में जो सुनने को मिला है कि भी 70 था पहले, वो 75 रुपये कर दिया उन्होंने, 5 रुपये लीटर बढ़ाया। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਕੀ ਕੰਮ? ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਰੇਟ ਵਧੇ? ਹਾਂਜੀ, 5 ਰੁਪਏ ਵਧੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ 70 ਸੀ ਹੁਣ 75 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ? ਕਾਰਨ ਜੀ, ਮੱਝ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, 1,30,000 ਡੇਢ ਲਈ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਅਤੇ ਰਾੜੀ ਦਾ ਭਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਦਾ ਚਲੋ ਨੋਰਮਲੀ ਰੇਟ ਆ, ਤੂੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਰਾੜੀ ਖਲ ਦਾ ਭਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਛਾਲਟ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਹੀਆਂ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਸੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਦਹੀਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੋਗੇ ਕੀ ਭਾਅ? 75 ਰੁਪਏ ਜੀ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਹੈ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੋ ਕਿਆ ਦੁੱਧ ਕੇ ਭਾਅ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਾਰਨ? ਜੀ, ਦੁੱਧ ਕੇ ਭਾਅ ਬੜੇ ਹੈ, 4 ਸੇ 5 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬੜੇ ਹੈ। क्या कारण है इस समय रेट? चीज़ें महंगी हो रही हैं, पशुओं के खुराक महंगे हो रहे हैं, खल महंगी हो गई है, दाना महंगा हो गया, और पशु भी पीछे से बहुत तेज भाव के आ रहे हैं। क्या रेट चल रहा है आजकल भैंस का? भैंस का 1 लाख के आसपास, वो तो जैसी भैंस वैसी कीमत, 1 लाख 1.5 लाख, अब उसके ऊपर जितना आप लगाना चाहो। तो ये गर्मियों में बढ़ते हैं या वैसे बढ़े हैं इस बार महंगाई? सर, गर्मियों में बढ़ते हैं इसलिए क्योंकि गर्मियों में दूध की डिमांड ज़्यादा रहती है, इसलिए गर्मियों में बढ़ते हैं। सर्दियों में सर्दी दूध कम होता है अभी इस समय, और दूध की डिमांड ज़्यादा होती है, इसलिए लोग गर्मियों में बढ़ाते हैं रेट। तो कंपनियों ने बढ़ाया या आप लोगों ने बढ़ाया? कंपनियों ने भी रेट बढ़ाए हैं, जैसे कि अमूल हो गया, और बाकियों ने भी हो सकता है रेट बढ़ाए हों। तो अब क्या रेट चल रहा है अभी का मार्केट में? मार्केट अभी 70, 75 रुपये। हाँ, 70-75।